हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस कंपनी से रिलेटेड। दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को एक बड़ी अपडेट देखने को मिल जा रही है, जिसको ही यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम लगा बिना सीधा चलते हैं हम अपने कंपनी के खबर के ऊपर। बट दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अपनी न्यू कंपनी के न्यूज़ के ऊपर जाने से पहले यहाँ पर हम लोग कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं, जो कि ये हम लोग को बताएगी कि कंपनी यहाँ पे करती क्या है। तो आप देखिए कि रिवर्स लॉजिस्टिक्स रिलेटेड कंपनी काम करती है, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड काम करती है, सेटअप बॉक्स रिलेटेड काम करती है, कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स रिलेटेड चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही है, होम अप्लाइसेंस से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जा रही है, लाइटिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे कंपनी यहाँ पे डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करती हुई हम लोगों को ये सभी चीज़ें देखने को मिल जा रही है। खासकर मोबाइल फ़ोन्स, आप जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स का कितना बड़ा मार्केट इंडिया हम लोगों को देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी सर्विलांस सिस्टम से रिलेटेड, रिवर्स लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड। सो देखा जाए तो हमारी कंपनी, हम कह सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में यहाँ पे हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन से रिलेटेड ये कंपनी हम लोगों को काम करते हुए देखने को मिल जा रही थी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी हम यहाँ पर सीधा अपने कंपनी के न्यूज़ के ऊपर आ गए हैं। दोस्तों देखिए, कंपनी के वेबसाइट पे हम लोग दोस्तों यहाँ पे इसलिए गए थे कि वहाँ से हम लोगों को ये मालूम चलेगा कि कंपनी करती क्या है, क्योंकि उसके बिना यहाँ पे ये जो न्यूज़ था वो अधूरा सा आप लोगों को लगता है। आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मालूम ही नहीं होगा कि डिक्सन टेक्नोलॉजी यहाँ पे करती क्या है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आपको वेबसाइट दिखाएं। तो न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिक्सन, जो कि कंट्री की लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली कंपनी, यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाती है, जिसने यहाँ पे टाई अप्स किया है। देख सकते हैं कि ताइवान से पर्सनल कंप्यूटर्स मेकर एसर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैपटॉप। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो चीज़ें हम लोगों को टाई अप देखने को मिल जा रही है, ठीक है, वो लैपटॉप को मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। आप यहाँ पे नाम से देख सकते हैं, एंड ये जो डील यहाँ पे इन दोनों कंपनियों के बीच होती हुई देखने को मिल जा रही है, वो सीधा सीधा जो मेक इन इंडिया है दोस्तों, उसको यहाँ पे बढ़ावा भी देते हुए देखने को मिल जाएगी। एंड दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो आगे आप देख सकते हैं कि इनिशियली फॉर द डोमेस्टिक मार्केट एंड देन पॉसिबिलिटी फॉर एक्सपोर्ट्स। पहले तो यहाँ पे ये लोग डोमेस्टिक मार्केट में अपने जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे सेल करेंगे, एंड उसके बाद से यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इसको यहाँ पे ये लोग बाहर, मतलब विदेशों में भी बेचेंगे। आप देख सकते हैं कि सोर्स से रिलेटेड ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। एंड दोस्तों, उसमें भी बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे सुना होगा कि, मतलब देखा भी होगा कि PLI स्कीम से रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी चीज़ें देखने को मिली थी, एंड हमारी जो कंपनी दोस्तों उसी PLI स्कीम का फ़ायदा भी उठाते हुए यहाँ पे ये जो काम है वो यहाँ पे करने वाली है। जो मेक इन इंडिया का जो नारा है दोस्तों, उससे रिलेटेड यहाँ पे ये चीज़ें करेंगी, तो डबल फायदा हम कह सकते हैं कि हमारी कंपनी को यहाँ पे होते हुए देखने को मिल जाएगा। देन दोस्तों, आगे अगर हम लोग बातें करें तो देखिए, यहाँ पे डिक्सन विल स्टार्ट विथ द प्रोडक्शन ऑफ 5 लाख एसर लैपटॉप्स। तो देखिए, यहाँ पे जो बातें चल रही कि 5 लाख एसर लैपटॉप्स यहाँ पे एनुअली बातें, मतलब चल रही है एक साल की यहाँ पे बातें चल रही है, ठीक है, तो एक साल में 5 लाख लैपटॉप्स बनाने की ये चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है, जो कि प्लांट इन इंडिया, मतलब इंडिया के ही यहाँ पे जो डिक्सन का प्लांट है दोस्तों, उसमें ही हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो टाई अप यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है, वो काफ़ी अच्छा है देखने को मिल जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो जो न्यूज़ है यहाँ पे थोड़ा आगे भी थी, लेकिन यहाँ पे पता नहीं किसी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हम लोगों को आगे देखने को नहीं मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि जो इनका जो प्लांट है दोस्तों, जहाँ पे ये लोग यहाँ पे जो लैपटॉप्स हैं उसको यहाँ पे जो प्रोडक्शन, मतलब बनाने वाले हैं, उसकी अगर हम लोग बातें करें तो उसकी जो क्षमता है ना, वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इसी के आसपास या थोड़ा कम यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा था, जो कि अगर न्यूज़ रहता तो यहाँ पे हम आपको बताते। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि ये जो क्षमता है दोस्तों डिक्सन की, अगर हम लोग बातें करें उस प्लांट की, ठीक है, तो वहाँ पे अभी उसको बढ़ाने की प्लानिंग यहाँ पे चल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। उसी के साथ साथ हम आपको बता दें मेरे भाई कि यहाँ पे जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है, आपको बता दें कि टैबलेट से रिलेटेड यहाँ पे, टैब से रिलेटेड भी यहाँ पे इनका प्रोडक्शन है, उसको भी, उसकी भी जो क्षमता है उसको भी यहाँ पे बढ़ाने से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। सो ओवरऑल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह जो न्यूज़ आज के दिन यहाँ पे हम लोगों को इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे देखने को मिली है, जो कि यहाँ पे हम लोगों को
ताइवान पर्सनल कंप्यूटर से रिलेटेड देखने को मिल जा रही है, जो कि एसर की मेकर कंपनी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जो न्यूज़ थी वो वाकई में काफ़ी शानदार थी, जिसकी झलक आज हमको अपने कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी में यहाँ पे देखने को मिल चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं कि 10% की रैली यहाँ पे हम लोगों को इस कंपनी में देखने को मिल जा रही है, जो कि वाकई में अच्छी बात है। शेयर प्राइस आप देख सकते हैं कि 5,352 रुपये पे अभी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे हम लोगों को न्यूज़ आती हुई देखने को मिली है, उसके बाद से कंपनी यहाँ पे सीधा ऊपर ही जाती हुई यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। एंड अगर इस कंपनी के रिटर्न्स की अगर हम लोग बातें करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मात्र यहाँ पे 4 साल में इस कंपनी ने 906% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दे चुकी है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि क्या ये कंपनी फिर से 20,000 तक जा सकती है। तो जो लोग नए होंगे दोस्तों, तो उनके लिए ये अटपटा सा सवाल होगा कि 20,000, अभी तो कंपनी 5,000 देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि इस कंपनी ने यहाँ पे स्प्लिट दिया था, उसके बाद से जो इसका शेयर प्राइस है वो यहाँ पे 20,000 से घट करके थोड़ा कम, मतलब 4,000 के आसपास हम लोगों को देखने को मिला। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि अभी 5,352 पे आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है। तो जिनके यहाँ पे सवाल है कि यह कंपनी फिर से 20,000 तक जाएगी या नहीं, तो जरूर जाएगी दोस्तों। ये कंपनी 100% फिर से 20,000 तक जाने की पूरी क्षमता रखती है, लेकिन उसके लिए एक काम आप लोगों को करना होगा, पेशेंस रखना होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, 1-2 दिन में यहाँ पे ये चीज़ें अचीव नहीं होने वाली है, काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ तक 20,000 तक ये जरूर जाएगी। फंडामेंटल्स की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें, तो ये फुल्ली फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी भी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। सो अगर आप यहाँ पे इस कंपनी को यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, तो आराम से इस कंपनी को अपने नजरी बना कर रख सकते हैं। एंड बाय करना चाहते हैं तो बाय करके भी यहाँ पे चल सकते हैं। सो कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज थी, जो अपडेट थी, वो मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।